नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली मेरे पास आ चुका है HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। काफी दिन से इंतजार कर रहा था, 6 महीने के करीब से फाइनली मुझे मिल गया है। ये क्रेडिट कार्ड हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर के बारे में जानेंगे और आपको भी कैसे मिल सकता है रिगालिया क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ रही है, किसी भी क्रेडिट कार्ड की, HDFC बैंक हो या फिर अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और आप 30% यूटिलाइजेशन करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ती है, तो कैसे बढ़ सकती है, एक टिप मैं आपको इसकी भी दूंगा। मुझे HDFC बैंक का अकाउंट खुलाए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 साल भी नहीं हुए हैं और मुझे सेकंड क्रेडिट कार्ड मिल गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है पैकिंग रिगालिया क्रेडिट कार्ड की। इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है, सब पेपर है। HDFC बैंक लिखा हुआ है, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। तो इसको मैंने पहले से ओपन कर लिया था, तो सबसे पहले ये आ जाता है, ये पेपर की कमेंडमेंट्स वगैरह सब इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है ये HDFC बैंक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड गाइड, NFC को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यहाँ पे आपको पिन जनरेट कैसे करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ये सभी क्रेडिट कार्ड के साथ आता है। इसके बाद में आ जाता है ये कार्ड एग्रीमेंट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर ये आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, इसको आप जरूर पढ़ लें क्योंकि इसमें सारे चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, ये नॉमिनी रजिस्टर करने के लिए है। अगर आपके पास रिगालिया क्रेडिट कार्ड आता है तो आपको ये नॉमिनी रजिस्टर करके इनको चेन्नई ऑफिस में भेजना पड़ेगा और आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये उसका फॉर्म है, अगर आप ऑफलाइन चेन्नई ऑफिस में भेजोगे तो ये फॉर्म फिलअप करके नॉमिनी का इसको आप भेज सकते हैं, इसमें आपको इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। ये इसकी बुकलेट है, इसके फीचर के बारे में बताया है। और फाइनली हमारा ये कार्ड है रिगालिया क्रेडिट कार्ड, रिगालिया लिखा हुआ है, NFC का लोगो है, HDFC बैंक लिखा हुआ है, वीजा सिग्नेचर है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और इसकी जो लिमिट मिली है मुझे वो 3 लाख रुपए मिली है और जो कैश लिमिट मिली है वो 1,20,000 रुपए मिली है। इस कार्ड में आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस करने को मिलेंगे इंडिया के अंदर और 6 इंडिया के बाहर। इस कार्ड में आपको प्रायोरिटी पास का बेनिफिट मिल जाता है, कार्ड मेंबर का भी और एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए भी। 1% फ्यूल सरचार्ज मिलेगा आपको अगर आपकी ट्रांजेक्शन 400 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच में होगी। एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट्री डेन आउट पासपोर्ट मेंबरशिप मिलेगी और 25% ऑफ मिलेगा आपको 2000 प्लस प्रीमियम रेस्टोरेंट पे। आप इस कार्ड से 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं अगर आप 5 लाख रुपए साल में खर्च करते हैं, और एडिशनल अलग से आप 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट और कमा सकते हैं अगर आप साल में 8 लाख रुपए खर्च करते हैं। इस कार्ड में जो आपको फॉर्म मिलता है एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर का मिलता है 1 करोड़ रुपए का, और इमरजेंसी ओवरसेज हॉस्पिटलाइजेशन अप टू रेट 15 लाख 15 लाख रुपए तक आपको कवर मिलेगा। इस कार्ड में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे अगर आप 150 रुपए खर्च करते हो, और रिडीम अगर करते हो आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, स्मार्ट बाय के थ्रू, तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे मिलेगी। एयर माइल्स में कन्वर्ट करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू तो 50 पैसे मिलेगी वैल्यू, और प्रोडक्ट वाउचर लेते हो नेट बैंकिंग या स्मार्ट बाय के थ्रू तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 35 पैसे मिलेगी, और कैशबैक में रिडीम करते हो तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसे मिलेगी। ज्वाइनिंग फी इस कार्ड की 2500 रुपए है, लेकिन अगर आप साल में 3 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग फीस भी आपको वेव ऑफ कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल की होनी चाहिए और नेट मंथली इनकम आपकी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपकी एज 21 साल से लेकर मैक्सिमम 65 साल तक की होनी चाहिए। ITR जो होनी चाहिए आपकी 12 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मुझे रिगालिया क्रेडिट कार्ड कैसे मिला। रिगालिया क्रेडिट कार्ड मिलने का कारण ये है, मेरे पास पहले से HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं। जब ये क्रेडिट कार्ड मिला था इसकी लिमिट जो थी वो 1 लाख रुपए थी और बढ़ के वो 3 लाख रुपए हो गई थी। अब ये क्रेडिट कार्ड मिला मुझे अपग्रेड करके और इसकी लिमिट भी मुझे 6 में मिली। लिमिट एनहेंसमेंट का ऑफर नहीं आया था, बस खाली अपग्रेड का ही था, इसलिए मैंने अपग्रेड कर लिया। और अपग्रेड करने का कारण ये है, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी बुरा नहीं है लेकिन इसमें लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेशन नहीं है। और अगर आपको भी चाहिए ये क्रेडिट कार्ड, HDFC में अगर अकाउंट है तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। अगर HDFC में अकाउंट नहीं है आपका, अगर इसको कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास एग्जिटिंग कार्ड है उसकी लिमिट अगर 3 लाख रुपए है तो आप इस कार्ड को कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूं सैलरी सेल्फ एम्प्लॉय कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबरों के मुझे मैसेज आते हैं, मेल आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि उनकी लिमिट नहीं बढ़ती है, और अगर बढ़ती है तो 20 से 30,000
रुपए बढ़ती है, उसके आगे मतलब हाई जंप नहीं मिलता है 1-2 लाख रुपए का। उसका कारण ये है, जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है उस बैंक का आपके पास अकाउंट नहीं होगा, और अगर अकाउंट होगा तो उसमें आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं करते होंगे। मान के चलिए आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं होगा। अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट और क्रेडिट कार्ड दोनों है तो फिर अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते होंगे क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद। बैलेंस मेंटेन करने का मतलब मेरा ये है, अगर आपके पास 10,000 वाला अकाउंट है उसमें आप 10,000, 12,000 या फिर एंट्री ज्यादा मोटी कराते होंगे, 50,000 लाख रुपए की एंट्री करा लेते होंगे तो वो पैसा आप निकाल लेते होंगे। उसमें अगर आप छोड़ोगे 50,000, 60,000 लाख रुपए तो उसी हिसाब से बैंक आपको लिमिट एनहेंस करके देगा। मैंने आज से 6-7 साल पहले ICICI बैंक का एक अकाउंट खुलाया था, उसको मैंने मेंटेन किया शुरू के साल में तो मुझे सारे ऑफर मिले, कार लोन, बाइक लोन, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन सारे, और क्रेडिट कार्ड भी मिला। मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसके बाद में बैलेंस मेंटेन नहीं किया, फिर उसकी लिमिट बढ़ी ही नहीं। और जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, जितने भी यूट्यूबर हैं उनके या तो क्लासिक अकाउंट होंगे, प्रेफर्ड अकाउंट होंगे या दूसरे बैंक के हाई वैल्यू के अकाउंट होंगे, और वो पैसा भी ज्यादा मेंटेन करते हैं इसलिए उनकी लिमिट बढ़ती है। आप भी अगर मेंटेन करोगे तो आपकी भी लिमिट बढ़ेगी। ओनली क्रेडिट स्कोर और टाइम पे पेमेंट करने से लिमिट नहीं बढ़ती है, बैलेंस अगर आप मेंटेन करोगे तो बैंक को ऐसा लगेगा कि आपके पास पैसा है, आप उनका पैसा लौटा दोगे और आपको लिमिट का ऑफर आराम से दे देंगे, कोई भी बैंक हो इसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।